भरत अनुज सौमित्री समेता पठवन चले भगत कृति चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितौ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, वह फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बारे बारे कर दंड प्रणामा मन असरहन कहै मोहि रामा राम भी लोकनि बोलनि चलनि सुमरि सुमरि सोचति हसि मिलनि। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे, मैं श्री राम जी के देखने को बोलने की चलने को तथा हंस कर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुक देख भी नहीं बहुभासी चले हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपि पहुँचाए पाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देख कर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख कर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भाति विनय कीने हनुमाना दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनि तब चिरन देखियो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव की चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा हे देवदश कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाय कृपागारा अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा हे हनुमान सुनो कहो दंडवत प्रभु मैं तुम्हें कहो करी जोरी बारी बारी रघुनायक ही सुरति करायो मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ हे प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। असी कही चलो बालिशुत फिर आयो हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सही चाहि कठोरी अति कोमल कुसुम चाय चित खगे सी राम करे सुमझि परे कहु काय। काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी श्री राम जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा दीने भूषण वसन प्रसादा चाहू भवन मम सुमिरन करेऊ मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरति समय व्राता सदा रहो पुरियावती जाता वचन सुनति उपजा सुख भारी परे उचरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उरि धरि गृह आवा प्रभु सुभाउ परिजन सुनावा रघुपति चरित देखि पुरवासी पुनि पुनि कहै धन्य सुख राशि।
फिर भगवान ने चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु को स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हरि सित भय गए सब शोका, पैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते गए, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथि लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता।